नमस्कार व्यूअर्स, अगर आप सिलचर से हाफलोंग या लामडिंग जाना चाहते हो, यानी अपना छोटा गाड़ी यानी प्राइवेट गाड़ी लेके जाना चाहते हो, तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसी रोड का कंडीशन बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 4 से 5 घंटे की सफ़र है, अचानक बीच रास्ते पे आपका गाड़ी रुक गया है तो सोच लीजिए क्या होगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ डिटेक्चरा टू जाटिंगा लामपुर तक रोड का कंडीशन, एंड सिलचर टू डिटेक्चरा तक रोड का कंडीशन मैंने दूसरे वीडियो पर ऑलरेडी दिखा दिया है, आप लोग देख लेना वो वाला वीडियो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है, वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखना। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, से मैं आपको दिखाता हूं सबसे डेंजरस जो जो जगह है वही। तो व्यूअर्स, डिटेक्चरा पार होने के बाद और हाड़ंगा जब मिलने से पहले आपको एक छोटा सा टनल भी मिलेगा। अगर आप कभी भी इसी रोड से ट्रेवल किया है तो आपको जरूर आपने दिखा होगा यह टनल। तो इस टनल के नज़दीक आपको सबसे ज़्यादा डेंजरस जो एक जगह मिलेगा, यानी 2 गड्ढा मिलेगा आपको। तो दूर से ये दोनों गड्ढा को दिखाई नहीं देता, ये यहाँ पर देखिए 2 गड्ढा है, काफ़ी भयानक है और हैवी गाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा रिक्सी है और छोटा गाड़ी के लिए भी काफ़ी रिक्सी है यह जगह। लेकिन जा सकते हैं, छोटा गाड़ी काफ़ी ध्यान से चलाना पड़ेगा, 2 गड्ढे के बीच में से छोटा गाड़ी चला सकते हो आप, और ध्यान से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपना गाड़ी 2 गड्ढे के बीच में से चलाओगे तभी मिट्टी और नीचे की तरफ डूबने के चांस ज़्यादा है। तो बी केयरफुल फ्रेंड्स। तो व्यूअर्स, से वीडियो को आप पूरा एंड तक देखे, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी सब लोगों को पता चले इसी रोड की कंडीशन के बारे में। ओके, एंड व्यूअर्स, से चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपकी मोटिवेट की वजह से मैं इस तरह वीडियो हर वीकली लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको इसी रोड से ट्रेवल करने में आसानी हो। ओके, इसके बाद आपको हरंगा जब मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारे दुकान आपको मिलेगा, एंड साथ ही राइस होटल भी यहाँ पे मिलेगा। और व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पे अपना रात गुजरना चाहते हो तो इसका भी बंदोबस्त यहाँ पे हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मैं इसी वीडियो के द्वारा आपको सबसे ज़्यादा बेड कंडीशन जो जगह है वही जगह मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जगह मैं आपको दिखाता हूँ। तो हरंगा जब पार होने के बाद आपको कुछ इस तरह से रोड मिलेगा, यहाँ पे देखिए कुछ गड्ढे यहाँ पे बना हुआ है, एंड बारिश दिया है इसलिए तो गड्ढे पे पानी जमा हो चुका है, एंड अगर छोटा गाड़ी इसी गड्ढे के ऊपर से चलाओगे तो थोड़ा बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा भी काफ़ी डीप गड्ढा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर इसी रोड से यानी इसी जगह के ऊपर से आप जब गाड़ी ड्राइव करोगे तो भी केयरफुल आपको ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्लिप भी हो रहा है ज़्यादा एंड कीचड़ भी ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, ये सब जगह इतना मोस्ट डेंजरस नहीं है, उससे भी ज़्यादा डेंजरस जगह मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के लास्ट में। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट जगह में दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, से देखिए ये जगह बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, एंड ये जगह है न्यू हरंगा रेलवे स्टेशन जो है इसका नज़दीक है ये जगह। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी डीप गड्ढा भी यहाँ पे हो चुका है, एंड बारिश दिया है इसलिए यहाँ पे पानी भी जमा हो चुका है। अगर छोटा गाड़ी इसी रोड से यानी इसी जगह के ऊपर से चलाओगे तो छोटा गाड़ी इस गड्ढे में अंदर घुसने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि गड्ढा भी काफ़ी डीप है। तो आगे आगे देखिए और भी गड्ढा यहाँ पर बना हुआ है, तो बहुत सारा गड्ढा यहाँ पे है, तकरीबन आपको यहाँ पे 100 मीटर दूर होगा ज़्यादा बेड कंडीशन वाला जगह। तो यहाँ पे देखिए एक गाड़ी भी आ रहा है, तो काफ़ी तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है हर लोगों को गाड़ी चलाने में इसी जगह के ऊपर से। तो व्यूअर्स, से देख लीजिए यह जगह, अगर आप अपना छोटा गाड़ी लेके इसी जगह से ऊपर से ट्रेवल करना चाहते हैं तो किस तरह आप ड्राइव करोगे यहाँ से आप अनुमान लगा दीजिए। तो चलिए व्यूअर्स, से मैं आपको नेक्स्ट जगह दिखाता हूँ, सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस जो जगह है वही जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ओके, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट जगह दिखाता हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये जगह क्या बताऊँ मैं, इस जगह को देखने के बाद मुझे बहुत घिन आ रहा है, क्योंकि ये जगह काफ़ी डेंजरस है, देख रहे होंगे आप लोग ये जगह। तो इस जगह पे आके मैं सोच रहा था कौन सा साइड से मैं जाऊं, बीच रास्ते से मैं जाऊंगा तो भी तकलीफ़ है, साइड से मैं जाऊंगा वो भी तकलीफ़ है, कौन सा साइड से मैं जाऊंगा ये सोच नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैं बीच रास्ते से गया, लेकिन मुझे काफ़ी तकलीफ़ उठाना पड़ा है। तो बैक साइड में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए तो बहुत ज़्यादा डीप गड्ढा ये है, तो ऐसे वैसे भी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये गड्ढा बहुत डीप गड्ढा है।
अगर बारिश ज़्यादा होता तो यहाँ पे पानी ज़्यादा जमा होता, लेकिन बारिश कम हुआ है इसलिए पानी कम जमा हुआ है। लेकिन फिर भी ये गड्ढा बहुत डीप गड्ढा है, मेरा बाइक इस पानी के अंदर भी घुस गया था, लेकिन मुझे तकलीफ़ उठाना पड़ा वहाँ से निकलने में। तो अगर आपका छोटा गाड़ी है तो काफ़ी तकलीफ़ उठाना पड़ेगा, अगर बारिश ज़्यादा दिया तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ उठाना पड़ेगा आप लोगों को। तो अगर आपका छोटा गाड़ी है जैसे कि एल्टो बाइक ये सब गाड़ी है, तो आप यहाँ से अनुमान लगाए किस तरह आप ड्राइव करोगे इसी जगह के नज़दीक आने के बाद। तो फ्रेंड्स, सिलचर टू हाफलोंग लंबी रोड का कंडीशन इतना अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। तो मैं क्या बताऊँ, ये रोड पे तो काम नहीं चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई भी काम नहीं कर रहा, फिर भी हम लोगों को इसी रोड से ट्रेवल करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, सिलचर टू हाफलोंग लंबी रोड का कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। ओके व्यूअर्स, तो इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट से मैसेज कर देना फ्रेंड्स, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।